नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिल जी, पिछले बार आपने बताया था कि राम ने रावण की सेना का महासंहार किया था और घर घर से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये सब रावण ने भी सुना होगा, उसने उसके बाद क्या किया? देखो, रावण के लिए बहुत बड़ा धक्का था। अचानक उसकी पूरी इतनी विशाल सेना लाशों के ढेर में तब्दील हो गई थी जी, और हर घर में रोने की आवाज आ रही है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध में मनोविज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण होता है जी। और अब जो मनोविज्ञान था वो रावण के पक्ष में नहीं था। रावण हिल चुका था एकदम। उसको इतना धक्का लगा, शोक में डूब गया, बैठ गया, कुछ देर मौन बैठा रहा और फिर जब वो मौन से उठा, ध्यान से उठा, तो बड़ा भयंकर क्रोध उसके माथे पे आ गया। बड़ा क्रोध से एकदम प्रलय अग्नि जैसे चमकने लगा कि जैसे बिल्कुल आग लगी हुई है उसको। उसने अपने जो सहायक थे उनको आदेश दिया कि हे निशाचरों, जाओ और महोदर, महापार्श और विरूपाक्ष से जाकर कहो कि मेरी आज्ञा से शीघ्र सेनाओं को कूच कराए। तीन ही महायुद्ध अभी तक बचे थे, बाकी सब मारे जा चुके हैं, इसलिए उन्होंने तीन का नाम लिया जी। महोदर, महापार्श और विरूपाक्ष, तीनों का नाम लिया। लेकिन सेना तो बहुत मर चुकी थी जी, तो किसी तरह इन तीनों ने सेना को एकत्र करने का काम किया। हमेशा सेना में, जैसे आज भी होता है, एक सैनिक युद्ध में जाता है जी। और एक रिजर्व सैनिक होता है। जैसे क्रिकेट के मैच में होता है ना, 11 खेलने वाले तो तीन बैठा के रखते हैं जी, कि जरूरत पड़ेगी तो हम खिला दें जी। तो हर सेना एक रिजर्व सैनिक रखती है। तो अब ये समय था कि घर घर से रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा किया गया। माहौल पक्ष में नहीं था जी, लोग जाना नहीं चाहते थे क्योंकि डर था कि मर के आएंगे जी, केवल लाश आएगी। किसी तरह इकट्ठा करना, एकत्र करना, सबको करके सारे हाथी घोड़े रथ सब एकत्र कर लिए गए, ऊंट हैं, गधे हैं, सब जानवर एकत्र किए गए, सब सैनिक इकट्ठे किए गए। बहुत बड़ी एक विशाल सेना जितनी जल्दी हो सकती थी एकत्र कर ली गई जी। रावण भी 8 घोड़ों वाले एक विशाल तेजस्वी रथ पे बैठ के उनके साथ चला। जो ये तीन महायोद्धा थे, महापार्श, महोदर और विरूपाक्ष जी, ये तीनों भी रथों पे बैठ के, अब ये जो एकत्र की गई सेना थी जी, है, और रावण एक रथ पे और ये तीन महायोद्धा तीन रथों पे, इस तरह 4 रथ और बाकी अन्य अधिकारी, सेना, इस तरह करके एकत्र करके ये लोग बाहर निकले जी। अंत में अब ये तीन महायोद्धा बचे थे और जो आपने अभी बताया कि घर घर से सैनिकों को एकत्र किया गया, उनके साथ अब ये रावण का अंतिम प्रयास था। तो सेना में वातावरण कैसा था, सैनिकों में उत्साह कैसा था? देखो, ये जो तीन महायोद्धा थे जी, ये तो जोर जोर से दहाड़ रहे थे, ऐसे दिखा रहे जैसे बड़े उत्साह में हूँ जी। जैसा इस विशाल सेना का परंपरा थी, जब युद्ध पे जाते थे तो बहुत सारे वाद्य यंत्र, गाजे बाजे सब चल रहे थे, वाद्यों का महानाद हो रहा था, मृदंग बज रहे थे, शंख बज रहे थे, अन्य बाजे गूंज रहे थे जी, एकदम जैसे कि बड़ी उत्साह में चल रहे हो, ऐसा पूरा माहौल बनाया हुआ था जी। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच में, ये गाजे बाजे मृदंग शंख, इसके बीच में जो आवाज दब रही थी लेकिन थी, वो थी कि राक्षसों की आपसी कलह हो रही थी। जो जबरदस्ती लाए गए थे जी, वो जाना नहीं चाह रहे थे, उनको डांटा जा रहा था, उनको जबरदस्ती की जा रही थी, उनपे चिल्लाया जा रहा था कि नहीं चलो चलो लड़ना चलना,
वो पहली वाली बात नहीं थी कि राक्षस सेना बड़े उत्साह में जाती थी, जी तो जबरदस्ती करके ये घर घर से पकड़ के लाए गए लोग थे, जी तो किसी तरह जा रहे थे। उस समय तुमने वातावरण की बात की, जी सब और प्रकृति भी जो है अशुभ लक्षण दिखा रही थी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई थी, सब और जैसे अंधकार सा छा गया हो ऐसा वातावरण बन गया था। भयंकर पक्षी अशुभ बोलियां बोलने लगे थे। आसमान में अचानक बादल आके रक्त वर्षा कर रहे थे। साधारण अच्छी वर्षा नहीं थी ये, जी रक्त वर्षा कर रहे हैं। घोड़े, रथों के जो घोड़े थे, जी चलते हुए एकदम लड़खड़ा कर गिर जाते। बिल्कुल समतल जमीन है, कुछ नहीं है, लेकिन लड़खड़ा कर गिर जाते। ध्वज के अग्रभाग पर आकर गिद्ध बैठ जाते। गिदड़ियां ऊंची ऊंची आवाज में चीख रही हैं। ऐसा वातावरण बन रहा है। आकाश में अचानक उल्कापात दिखने लगा, वज्रपात हो गया, वज्रपात के समान गड़गड़ाहट हो रही है। गिद्ध और कौवे एकत्र होकर अशुभ बोलियां बोल रहे हैं। स्वयं रावण के साथ भी जी अशुभ संकेत मिल रहे थे उसे। उसकी बाई आंख फड़कने लगी थी, उसकी बाई भुजा जी कांपने लग गई थी। सब उसको दिख रहा था। उसके चेहरे की जो आभा थी वो समाप्त हो गई थी। चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। जो उसकी आवाज बहुत बोल खतरनाक एकदम जोरदार हुआ करती थी वो भी कुछ फीकी पड़ गई थी। तो हर ओर से प्रकृति उसे संकेत तो दे रही थी, जी जी पर वो अपने अहंकार में डूबा, किसी भी प्रकार के संकेत को ग्रहण करने की मानसिकता में नहीं था। युद्ध में चला जा रहा था जी। अब जब ये दोनों सेनाओं का सामना हुआ, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, वानर बड़े उत्साह में, जी क्योंकि अभी तक वो जीते थे, उन्होंने देखा था, जी तो उत्साह में होना स्वाभाविक है। जी तो जैसे राक्षस आए तो राक्षसों के पास तो हर तरह के अस्त्र शस्त्र थे। वानरों के पास क्या था? वही बड़े बड़े शिलाएं, पर्वत शिखर, वृक्ष, जी इन्होंने उसी के साथ लेके आक्रमण प्रारंभ किया। जी पर रावण साथ था। रावण अपने बाणों की वर्षा करने लगा। अब जो बाणों की वर्षा थी जी बड़ी भयंकर थी। उस भयंकर वर्षा के बीच में वानर जो थे पीड़ित होने लगे, इधर उधर भागने लगे। जी राक्षस भी जरा हिम्मत आ गई, बाण वर्षा देख के तो कुछ जी लड़ने लगे। जी जब ये देखा कि ऐसा हो रहा है, कुछ वानर घबरा रहे हैं, जी तो सुग्रीव जिस टुकड़ी का संभाले खड़े थे, जी उन्होंने उस टुकड़ी का संभालने का, कमान संभालने का काम अपने ससुर सुषेण को सौंपा और कहा कि आप यहाँ कमान संभालो, मैं अपने साथ कुछ चुनिंदा योद्धा लेके जाता हूँ और जाके मैं इनको आगे बढ़ के इनसे युद्ध करता हूँ। जी ये अपनी टोली जो थी लेके और बड़े बड़े विशाल शिलाखंड, वृक्ष इत्यादि राक्षसों को मारने लगी। अब राक्षस एकदम, ये लोग जो थे जैसे कहते ना एलीट फोर्स थे, जी ज्यादा शक्तिशाली, जमदार, उत्साह में भरे हुए, तो राक्षस इधर उधर भागने लगे। विरूपाक्ष ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो रथ की जगह उसे लगा कि मुझे हाथी पे बैठ के आगे बढ़ना चाहिए, तो रथ से उतरा जी और एक हाथी पे चढ़ गया और वानरों पर बाण वर्षा करने लगा। सुग्रीव ने देखा जी कि ये अब हाथी पे है और हम पर बाण वर्षा कर रहा है, जी उन्होंने एक विशाल वृक्ष उठाया और हाथी के मस्तक पे जोरदार दे मारा। वो वृक्ष की चोट इतनी जोरदार थी कि वो जो गजराज था, विशाल हाथी था, जी वो एकदम पीछे हट गया और बैठ गया और चीतकार करने लगा, आर्तनाद करने लगा, उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। जी उसको स्थिति में देखकर विरूपाक्ष जो था घायल हाथी की पीठ से उतर गया। अब उसने हाथ में ढाल ली, तलवार ली और सुग्रीव की ओर दौड़ा। अब सुग्रीव
ने एक विशाल शिला उठाई और विरूपाक्ष फेंकी। जी विरूपाक्ष बहुत दमदार था, शक्तिशाली था जी, वो थोड़ा फुर्तीला भी था, उसने तुरंत अपने आप को शिला से बचाया और तलवार से वार किया सुग्रीव पे, एकदम जोरदार था प्रहार जी। सुग्रीव कुछ क्षण के लिए जैसे मूर्छित से हो गए और फिर उठे और उन्होंने राक्षस की छाती में जोरदार मुक्का मारा। वो मुक्का जो विरूपाक्ष को लगा जी, उससे उसका क्रोध और बढ़ गया। इस बार उसने फिर सुग्रीव पे प्रहार किया तलवार से जी, और साथ ही अपनी लात से उनके पांव पे चोट की ताकि वो नीचे गिर जाए जी। सुग्रीव गिर भी गए पर बहुत फुर्ती से फिर उठे जी, और पूरी शक्ति से इस बार उन्होंने उसको एक थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ जो था जी बहुत जोरदार था पर ये किसी तरह सह गया, किसी तरह उसको सह लिया उसने, और अब उसने सुग्रीव को मुक्का मारा। सुग्रीव का क्रोध अब मुक्का खा के और बढ़ गया जी। इन्होंने मौका देखा कि अब जो है मुझे ऐसा मारना है जी कि अब इसका अंत हो जाए। और देखो ये जो वानर हैं जी शक्ति में बहुत शक्तिशाली हैं, इनके पास हथियार नहीं है जी, अपने हाथ ही हैं जी। उन्होंने इस बार मौका देख के पूरे ताकत से उसके एक मर्म स्थान पर, जहां विशेष स्थान था जहां पर कि बहुत कोमल स्थान होता है जी, उस पर थप्पड़ की चोट की। वो जो चोट थी बहुत भयंकर थी, विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर गया, उसका सारा शरीर रक्त से भीग गया, वो मुंह से रक्त वमन करने लगा, उसके रक्त की उल्टियां करने लगा जी, और थोड़ी देर में उसके प्राण बिखर गए जी। रावण के तीन महायोद्धाओं में से एक मारा गया, अब दो बचे, तो इनमें से कौन आगे बढ़ा? ये जो सारा घटनाक्रम था जी, ये रावण ने भी देखा। रावण की स्थिति देखिए, तीन ही महायोद्धा बचे हैं जी, और तीन में से एक उसके सामने जी इस तरह केवल हाथों से मार दिया गया है जी। वह अपने बगल में खड़े महोदर की ओर मुड़ा, उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा जी कि हे महाबाहु, महाबाहु मतलब जिनकी बाहों में बहुत शक्ति है जी, है महाशक्तिशाली, इस समय यदि मेरी विजय की कोई भी आशा है वो तुम पर ही आश्रित है, तुम पर ही अवलंबित है। अब मौका है कि अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु का वध करो जी। महोदर को जो आदेश मिला था जी उसका पालन किया, रथ को वानर सेना के अंदर घुसा दिया और वानरों पर बाण बरसाने लगा। फिर से वानर पीड़ित होकर इधर भागने लगे, सुग्रीव की शरण में गए कि सब ये आ गया जी। अब सुग्रीव ने एक विशाल शिला उठाई और वो विशाल शिला उसने महोदर पर फेंकी जी। महोदर ने बाणों से उस शिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो ये वार खाली गया जी। अब सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उठाया और वो भी महोदर पर फेंका जी, महोदर ने बाणों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जी। अब बाणों से उसने सुग्रीव को घायल भी कर दिया जी। सुग्रीव को उसी समय वहां पर पड़ा एक परिग दिखाई दिया। परिग मतलब एक लोहे का डंडा सा है, उसके आगे में एक बॉल गेंद टाइप लगी है, उसमें बीच में चेन है जी, इसमें में जो गेंद है उसमें कांटे से निकले हुए हैं जी। अब इसने ये परिग जो था ये वानरों का नहीं था,
ये तो राक्षस सेना का ही छूटा हुआ है, क्योंकि इतने समय से युद्ध चल रहा था, इधर उधर सब शस्त्र बिखरे हुए थे। जी। एक परीक ने उठाया और उस परीक से नहीं, जो रथ था उसके घोड़ों को मार दिया। और जब घोड़े मर गए जी तो रथ तो चल नहीं सकता जी, तो महोदर ने बाण छोड़ दिए, रथ से नीचे उतर आया जी, और हाथ में एक विशाल गदा ले ली और उस गदा से उसने सुग्रीव पर आक्रमण किया। सुग्रीव ने जो हाथ में परीक सा जी, उसी से उस गदा को रोकने का प्रयास किया। प्रयास सफल रहा जी, गदा नीचे गिर गई जी, पर परीक टूट गया, जो पूरा प्रहार था जी, परीक उसमें टूट गया, गदा जो नीचे गिरी थी जी जी, महोदर ने फिर से उठा ली। अब सुग्रीव के पास तो कुछ नहीं है जी, इन्होंने इधर उधर देखा जी, और उन्हें अचानक एक लोहे का भयंकर मूसल दिखाई दिया। इन्होंने यही उठा लिया जी कि इसी से मैं मारूंगा जी। अब सामने गदा है, इनके पास मूसल है जी, दोनों ने एक दूसरे से प्रहार किया, महोदर ने गदा से जी, और सुग्रीव ने मूसल से जी, दोनों ने पूरी शक्ति से किया और दोनों गदा और मूसल टूट गए। अब जब दोनों टूट गए जी, तो दोनों के पास अब कुछ और विकल्प बचा ही नहीं था जी, इसके कि हाथों से मुक्कों से थप्पड़ से युद्ध करें जी। तो इस प्रकार का युद्ध शुरू हुआ। महोदर ने इसी बीच में जब कुछ देर तक, काफी देर तक युद्ध चलता रहा जी, तो महोदर कहीं ना उसको लग रहा था कि मैं मुक्कों से थप्पड़ से इस वानर से नहीं जीत पाऊंगा जी, तो उसने एक ढाल और तलवार उठा ली जी। सुग्रीव ने भी एक वहीं पर एक खड़ग, तलवार का एक स्वरूप होता है, विशाल होता है जी, रक्त स्वरूप का होता है, वो उठा लिया। और अब महोदर ने सुग्रीव पर तलवार मारने का प्रयास किया जी। सुग्रीव बहुत फुर्तीले, वानर फुर्तीले होते हैं और ये तो सुग्रीव तो महा फुर्तीले थे जी। इन्होंने अपने आप को तलवार के वार से बचाया और अपने खड़ग से जी महोदर का जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। महोदर सिर जमीन पे गिर गया और महोदर का प्राण अंत हो गया जी। अब रावण के सहयोगियों में से तो सिर्फ एक ही बचा था महापार्श, उसने क्या किया? ये सारा घटनाक्रम महापार्श के सामने हो रहा था जी। महाबली था वो, और ये उसके जो साथी थे जी, उनका इस प्रकार मारा जाना देख के उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जहां खड़ा था जी, वहां युवराज अंगद की टुकड़ी थी, उसने अपने बाणों से आक्रमण करना शुरू किया जी। युवराज अंगद की जो सेना थी उसमें भयंकर हलचल मचा दी, वानरों के मस्तक कटने लगे, मस्तक धड़ से अलग होने लगे, मरने लगे। जब इस तरह होने लगा, ऐसा लग रहा था कि वानर के मस्तक तो जैसे पेड़ से फल गिरता है वैसे टपक रहे हैं, बाणों के सामने कुछ नहीं है। तो अब अंगद ने आगे बढ़ के लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब मैंने पहले बताया कि वानरों के पास कोई शस्त्र नहीं है जी, लेकिन अब तक तो युद्ध में पूरे मैदान में शस्त्र फैले हुए हैं, राक्षसों के शस्त्र पड़े थे जी। तो अब उन्होंने, अंगद ने भी जैसे सुग्रीव ने किया था वैसे एक विशाल परीक उठाया जी, और परीक जो है महापार्श पर दे मारा जी, फेंक के मारा। महापार्श जो है रथ से नीचे गिर गया, अब वो जमीन पे आ गया। जैसे वो गिरा जी, अब
थोड़ी देर के लिए बाण तो रुक गए जी। अंगद ने उस मौके का फायदा उठाया और एक विशाल शिला उठाई जी और रथ के घोड़ों और सारथी को मार दिया, ताकि उसका जो पास उसका जो उसकी ताकत है, उसके पास रथ है जी, वो समाप्त हो जाए। महापार्श्व ने रथ पे नहीं है जी, फिर भी धनुष उठाया और बाणों से अंगद और साथ खड़े और लोग जो थे, जामवान थे, गवाक्ष थे और लोग थे, इन पे बाण चलाने लगा। अब अंगद को और क्रोध आया कि ये तो अभी फिर धनुष बाण लेके आ गया जी। इस बार उन्होंने एक बड़ा विशाल परिग लिया जी और फेंक कर महापार्श्व को मारा। वो जो मारा तो उसके हाथ से धनुष गिर गया, उसने जो मस्तक पे टोप या एक जैसे आज हेलमेट होता है, उस जमाने में टोप पहना जाता था सुरक्षा के लिए जी जी, तो वो गिर गया नीचे। और महापार्श्व ने अब फिर खड़ा हुआ जी, इससे पहले कि कुछ करे अंगद वहां पहुंच गया और सीधा हाथ से थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ ऐसा जोरदार था कि एकदम हिल गया जी, पर महापार्श्व ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ा एक विशाल फरसा उठाया जी और अंगद पे मारने का प्रयास किया। अंगद फुर्तीले उत्साह में भरे हुए, उन्होंने स्वयं को उस फरसे से बचा लिया और इस बार पूरी शक्ति से उसके हृदय स्थान यानी दोनों छाती के बीच में ठीक जहां पर हृदय होता है वहां पूरे जोर से मुक्का मारा। वो मुक्का इतना जोरदार था कि महापार्श्व का हृदय फट गया और पूरा खून बह गया और उसका वहीं पे वो धरती पे गिर गया और उसका प्राण समाप्त हो गया जी। अनिल जी, अब तक हम देखते आ रहे हैं कि रावण धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, एक एक उसके साथी सहयोगी हैं सब मरते जा रहे हैं, अंत में तीन महायोद्धा बचे थे वो भी मर गए, अब केवल रावण ही बचा है। अब तो ये राम रावण का युद्ध देखने को मिलेगा आगे, उसकी चर्चा हम अगले प्रकरण में आपसे करेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।